अगर पांच से ज्यादा मार दी तो मन्नू का चेन हो जाएगा। तो कोई एक करोड़ रुपए दे और बोल दे नहीं यार डायनासोर जैसे आ रहे हैं। स्टक इन गैस थिंक आई एम ओके लेस बट आई डोंट नो इफ दैट डंबल बनाने वाले मेरे मित्र हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आपको ऐसा इंट्रो बड़ा कैजुअल सा लग रहा होगा, द थिंग इज कि ये जिम है पावर लिफ्टिंग वाला। मेरे पीछे हम पावर लिफ्टिंग करके आ गए हैं और अभी हम एक और यूट्यूब शूट कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे पहले आपने वो देखा होगा जिसमें बेंच था, और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले जिम में, वहां हम करने वाले डंबल। ये जो नए नए लड़के हैं इंडस्ट्री के, थोड़े जो नए नए बच्चे हैं, थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं। एंड दीस गाइज आर टेक्निकली, आई स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ डंबल्स। टेक्निकली जाके देख लो, टेक्निकली आई एम योर सीनियर इन पावर लिफ्टिंग। या बट जो डंबल का बात कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया था पोस्ट करना डेडिकेटेड वीडियोस फॉर डंबल्स एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड डूइंग इट। आजकल क्या कर रहा है, पहले तो पावर लिफ्टिंग नहीं करता। मेरे पे बंदी है, तेरे पे बंदी नहीं है। कॉपी करी फिर कहाँ की है ये नहीं बताते, पर्सनल चीज है। जो भी गेस करेगा उसका कमेंट लाइक होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो जिस जिम में जा रहे हैं, 50 kg का डंबल है, 50 kg लाइट है, बट मैं थोड़ा ऊपर मारूंगा 60-65। मेरा मेन सेट रहेगा 65 kg डंबल, या अगर पॉसिबल हुआ 70 बनाएंगे, बट 60-70 बनाएंगे। अभी एक्सरसाइज कर लिया, 6-7 सेट बेंच किया है, बट उसके बाद ये 50 kg का ट्राई करेंगे तीनों में कौन बढ़िया करता है। ठीक है, 50 kg मेरा मैक्स 21 रेप्स है, तो लेट्स सी। ठीक है, मैंने यार यहाँ पे कितने महीने की, 6 महीने की फीस भरी एंड आई केम फॉर लाइक एक हफ्ता। तू तो आ रहा है, हम तो आ रहे हैं, बट मैं 5-6 दिन के बाद आया नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि अभी कंपटीशन के टाइम पे कमर्शियल जिम में ट्रेन करना, भीड़ भड़का वही सब, मैंने बोला कि अकेले पावर लिफ्टिंग जिम में शांति से करते हैं, कॉन्टेंट अच्छा बने ना बने, व्यूज आए ना आए, अगले साल फोकस करेंगे व्यूज कॉन्टेंट, अगले साल करेंगे वो सब, अभी रिजल्ट्स। तो गाइस आजकल जो मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, मैं दिन में वर्कआउट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने टाइमिंग चेंज करा है बिकॉज ऑफ माय कंपटीशन, बिकॉज मेरा कंपटीशन का मैं टाइम आ गया है। तो जो 17 दिसंबर को कंपटीशन है वो दोपहर के 2 बजे है, तो अगर मैं अपनी बॉडी को अभी से ही दिन के 2-3 बजे वर्कआउट में ढाल लूं तो वहां पे जाके मेरे को आसानी होगी। क्योंकि अगर आप सुबह ट्रेन कर रहे हो या रात को एकदम ट्रेन कर रहे हो और कंपटीशन आपका दिन में है, तो आपकी बॉडी उस टाइम के लिए रेडी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी है इस बार के कंपटीशन में कि 2 बजे कंपटीशन है, ठीक है मैं डेली 2 बजे जिम करूंगा कि कंपटीशन वाले दिन मेरे को अजीब ना लगे, मेरे को नॉर्मल लगे। तो फर्स्ट मील ऑफ द डे ये है पिंटोला का ब्राउन राइस के, मैं 4-5 राइस लेता हूँ, इसको बनाने का कुछ भी एफर्ट नहीं है, और ये बेस्ट कार्ब सोर्स आपको चावल से जो राइस की मिल जाते हैं वो है, और इसमें कोई भी शुगर वगैरह एडेड नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है। उसके साथ साथ मैं इसका पीनट बटर स्प्रेड कर लेता हूँ, ये पिंटोला का पीनट बटर है, ये ऑल नेचुरल पीनट बटर है, इसमें 100 ग्राम में 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ पीनट बटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हेल्दी फैट्स के लिए, हम सबको हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, हम सबको हेल्दी फैट्स बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 ग्राम्स डाइट्री फाइबर है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड ये मेरे को सबसे बढ़िया टेस्टी लगता है पीनट बटर में, तो मैं इसी ब्रांड को यूज करता हूँ। इसके और भी वेरिएशंस हैं, क्रंची है, क्रीमी है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ मेरे यहाँ पे ब्राउन एग्स ले रखे हैं, मैं अभी ब्राउन एग्स खा रहा हूँ दिन के 6-7, तो अभी सुबह में 3। तो यही है मेरा ब्रेकफास्ट, और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो ये चीज जरूर रखो राइस के, आराम से जिम जाने से पहले जस्ट 30-45 मिनट्स पहले 4-5 खाओ, दिस विल हेल्प यू अ लॉट आपकी ट्रेनिंग में। सो गाइज हम आ चुके हैं जिम, और मैं जैसा कि आपको कह रहा था कि इस जिम में थोड़ा सा काफी ज्यादा क्राउड होता है, जो कि अच्छी बात है जिम के लिए ऑब्वियसली, बट मेरे को पावर लिफ्टिंग करना रहता है तो उसमें इतना ज्यादा क्राउड रहेगा, मतलब अपने जोन में सही से ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, और मैं दूसरों को भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ, जैसे मैं चिल्लाऊंगा ऑब्वियसली अमोनिया चौक ऑल दैट थिंग, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड है तो उनको अजीब ना लगे, इसीलिए मैं वहाँ पे ट्रेन करता हूँ यहाँ पे, जबकि फीस दे रखी है। और देखो अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड स्टिल आई थिंक जिम में 110-120 लोग हैं, दैट इज गुड फॉर द जिम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जिम बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज सम डे आई वॉन्ट टू ओपन माई जिम, तो उसके लिए अच्छा लगता है, एक ड्रीम है वो पूरा करेंगे। तू 50 kg करने वाला है या 60 भी ट्राई करेगा? पहले 60 करूंगा ट्राई, क्योंकि मुझे फील करना हाथ में कितना है भाई। 71-72 kg, 73 kg का बंदा है, 60 kg अगर तूने 2 रेप भी मार दिया ना तो रेस्पेक्ट है। एक पावर लिफ्टर है, उसका नाम पाना है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उसका बॉडी वेट 70 के अराउंड रहता है, 70 kg डंबल मारा हुआ है, 71 रेप, तो मोटिवेशन में 60 kg में कितने जाएंगे मेरे? 6-7-8 तक मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में 8-9 है, मेरा भी 8 ही लग रहा था। चल ठीक है, देखते हैं, लेट्स गो। सो आप सभी को पता है वर्ल्ड कप चल रहा है वहाँ पे, और अभी तक इंडिया बढ़िया खेल रही है, बस वो सेमीफाइनल वाली बीटी ना हो। मैं नहीं देखता क्रिकेट, सॉरी आई डोंट नो, लाइक एवरी टाइम वी विन विन विन, पावर लिफ्टिंग नथिंग एल्स, अपन जीतते रहते हैं, फिर सेमीफाइनल में जाके कोई लेफ्ट आर्म आता है
और 3-4 विकेट गिराता है. अच्छा. एंड फिर हम सैड हो जाते हैं. हर बार इंडिया अच्छा खेलती है और सेमीफाइनल में अचानक हार जाती है. मतलब उनका बैड डे ना सेमीफाइनल या फाइनल, फाइनल भी नहीं सेमीफाइनल ही आता है बैड डे. अभी लीग मैचेस में एक भी नहीं हारते. और एक चीज तो मैं श्योर हूँ कि टिकट, अच्छा सोच, तेरे टिकट में बहुत धांधली है. तेरे को कोई 50 लाख रुपए देगा कि एशियन में तुझे मेडल नहीं देना, तू क्या करेगा? चल 50 लाख नहीं, 1 करोड़. देखो जानबूझ के लिए फेल करनी है, व्हाट विल यू डू? नहीं करूंगा. फिर भी दिमाग में एक बार के टाइम पे आएगा कुछ कि यार शायद कर लेना चाहिए, पर नहीं नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट. यार पता है मेरे को लगता है कि जो लोग वहाँ पे फिक्स भी कर रहे हैं ना, उनके ऊपर ना मनी से ज्यादा ना ये प्रेशर रहता है. नो फिक्सिंग पर होता होगा यार, क्या पता. So, हमें 60 kg के रेप्स लेने हैं. तो सबसे पहले मैं वार्म कर रहा हूँ 35, फिर 50 एंड सीधा 60. अभी आपको हो सकता है एक बहुत ही तगड़ा कोलैब देखने को मिले. रोनी कोलमैन इज कमिंग टू इंडिया एंड आई एम ट्राइंग ये एक बहुत ही लेजेंडरी वीडियो दे पाए. लेट्स सी. टेक्निकली अभी इंडिया में फिटनेस फील्ड में आई थिंक आई हैव वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई. किस लेवल से आए हैं मतलब मेरे को तो यकीन नहीं होता. मतलब कभी कभी अपने पापा से बात करता हूँ, उनको भी समझ ही नहीं आता. मतलब जितना ये होता है ना कि अपन बैठ के प्रे करते हैं, ठीक है. तो जब मैं कॉलेज में था तो मैं जब मंदिर जाता था तो मैं बस ये प्रे करता था कि इतनी सैलरी हो जाए या इतने सैलरी की जॉब लग जाए. मैं कसम से तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही था ना, 60-70 हज़ार की जॉब दे रही हो, क्योंकि मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है. तो 60 हज़ार की नौकरी लग जाए ताकि वो खुश रहे. और भाई अभी इतना कुछ मिल गया है तो अभी तो घर वाले कुछ बोलते ही नहीं है. मतलब भाई रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बट हाँ पीठ पीछे करते होंगे तारीफ, मेरे को लगता है ऐसा. लेट्स गो मैन, थैंक यू सो मच सिंगा 30. जितने भी लोग सिंगा 30 यूज़ करते हैं. लास्ट वार्म 50 kg है, बस 3 रेप मारेंगे, तेज मारेंगे. तो टेक्निकली इससे पहले आपने बेंच अगर देखी है, बेंच की वीडियो, हम उसके बाद जिम आ रहे हैं. तो ऐसा है कि मेरे को एक काम से एक सप्लीमेंट स्टोर की ओपनिंग में मेरे को इनवाइट किया गया है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ. जो मेरे वीडियोग्राफर हैं वो देहरादून से आते हैं और वो सिर्फ 6 दिन के लिए आए हैं, तो उसमें से भी 2 दिन मैं बाहर हूँ. तो मेरे पे सिर्फ 4 दिन है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि 4 दिन में वीडियो बन जाए ताकि मैं बाकी के जो हफ्ते हैं सिर्फ ट्रेनिंग पे दिमाग लगाऊं. वीडियो कंटेंट जितने बंदे देख रहे हैं काफी है, अगले 2 महीने काफी. फोकस इज नॉट व्यूज, फोकस इज नॉट लाइक, नथिंग, फोकस इज मेडल. उसके बाद जनवरी से खींचेंगे थोड़ा कंटेंट, ठीक है, जनवरी से करेंगे थोड़ी असली हवाबाजी. अभी असली मेहनत कर बीटी भी इसलिए हो गई थी, वो टेप वेप से डंबल बना दी थी ना एक दो बार. अब यहाँ बैंड से बनाना आ नहीं रहा, देखते हैं. 5 वाला अगर गिर गया चेहरे पे तो चेहरा खराब हो जाएगा, 2.5 वाला गिरेगा तो चेहरा खराब नहीं होगा. ये भी अच्छा है. Everything you know that you can get. Don't let them guide your life. Whoa! Yes! But I love with every breath. तो हमें मिल गया डंबल बनाने वाले मेरे मित्र. नहीं तो मैं तो सोच रहा था गई वीडियो नहीं बना रहा था, मैं गिव अप छोड़ दिया. फर्स्ट डंबल इज रेडी, 60 kg हो गया है, एक सेट है, काफी है. बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि ये हवाबाजी के लिए ये है. वो है, बट तभी है जब मैं 8-9 रेप कर सकता हूँ सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी. तो क्या बोल रहा है, लेट जाऊँ और यहाँ पे प्लेस करूँ? उधर उधर पुश कर दियो, आजा पीछे. और आती पता है, ये बेंच इतनी ऊपर है ना, मेरे पैर हवा में लहरा रहे. देखा पैर हवा में कांप रहे हैं, मैं कहाँ रखूं पैर, जमीन ही नहीं मिल रही. ये ना समझिए मेरा बेस्ट था, पैर हवा में दे, ठीक है, ऐसा मत समझो कि तो कंपटीशन में है. घंटे की मेहनत करवा के बहन जो 30 सेकंड यूं ही मार रहा है डायनासोर जैसे आ रहे हैं. ये क्या थे, ये छोटे छोटे से ऐसे. अरे तुम्हारे हाथ छोटे हैं तभी तो डेडलिफ्ट मुश्किल होती है. ये देख हाथ कितने, इसमें फायदा नहीं होता, बेंच में फायदा है. बेंच में फायदा है, डेड में बहुत घाटा है. सही से अगर बेंच सेटअप हो 18-20 रख. भाई कुणाल का बॉडी वेट 70 है, 70-72. लेट्स सी इज ट्राइंग 60. मन्नू जा, पूरा मन्नू उठा देना पहले. मजा आया.
हल्का लगता है ब्रो, यू नीड टू प्रैक्टिस मैम, ये लेने से नहीं होता। अगर 5 से ज्यादा मार दी तो मन्नू का चेन हो जाएगा। ऑल्सो गाइज ये रिस्ट्रैप अगर आपको लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन। मेरा ही ब्रांड अभी ऐसा हो रखा है ना कि जब से मैं अभी लास्ट के 2-3 महीने ना मैं बहुत कम एक्सरसाइज करता हूँ, और ऐसा नहीं करता कि पंप आए बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो तो आपका गोल क्या है, लैक्टिक एसिड बिल्ड करना, फटीग आना, पंप लेना। बट अगर पंप होगा तो अगले दिन मैं वापस बेंच कैसे करूँगा, और मैं अभी हफ्ते में 5 बार बेंच कर रहा हूँ, 3 बार स्क्वाट कर रहा हूँ, तो मैं पंप और सोर नहीं कर सकता। तो ट्रेनिंग ऐसी होती है ना कि आपको फेलियर से 2-3 रेप कम पे ही रहना है लास्ट के 2-3 महीने। मैं नहीं चाहता कि मैं फटीग रहूं, इसीलिए काफ़ी कम एक्सरसाइजेस हो रही है। बॉडी पे अगले साल काम करेंगे, अभी एशियन गोल्ड दे देते। ये थी आज की वीडियो। आज मैंने थोड़ा सुपरमैन स्टफ करा है, 4 घंटे के अंदर 2 यूट्यूब, ऑब्वियसली बिकॉज मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी कंटेंट खत्म हो जाए ताकि मैं अपने प्रेप में चुपचाप फोकस करूं और थोड़ा सीक्रेट प्रेप करूं लास्ट के 25-30 दिन, चुपचाप कोई नंबर्स ना दिखाऊं और चुपचाप करूं, क्योंकि ये काम भी जरूरी है और मेरे को शांति से प्रेप करना भी जरूरी है। सबसे अभी तक मेन सवाल क्या कर रहा तू पुणे में? तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, चल जाऊं घर, बोल दे, ये बोले तो मैं चल जाऊंगा घर। तो भाई इसका कुछ सीन चल रहा है एंड सब झूठे भाई, मेरे ब्लॉग में देख लो, ओनली आई एम फोकस्ड प्रेप एंड कंपटीशन, दीस गाइस आर एंजॉयिंग। आज मैं ट्रेनिंग किया भाई तुम लोगों के लिए, मैं छोड़ा ना ट्रेनिंग अपना। या बस ये भी बात बोलो उनको, मेन सेशन कल है, कल स्क्वाट्स है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अभी थोड़ा मेरा एनर्जी लो लग रहा है, बट ऐसे ही करते रहो बिकॉज लॉन्ग वे टू गो स्टिल, बहुत चीज़ें नहीं पूरी हुई हैं, बहुत चीज़ें पूरी करनी है। स्टेइंग आउट ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज, मेरा नाम थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि खींचने की कोशिश करते हैं और मैं रिएक्ट कर देता हूँ, तो वो चीज़ मैंने अपने आप को बहुत बार बोली हुई है अभी कि चाहे कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, यू डोंट हैव टू रिएक्ट। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।